अगर हमारे लड़का के हाथ में गई तो हाथ काट के कुकुर के खिला देता हाथ। बता चुड़ई, हमारे बेटा के हाथ में कहाँ बा? बता। ओकरा से का पूछत बारू? बबलू के आत्मा अपन शरीर में समा गए। मोनी के शक्ति कभी न विफल होके मोनी जो कहेले वही करेले। जय चिरकाल। बबलू, 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 माई, माई, मोनी के महिमा देखा, लड़का की आत्मा लौट गई बा। ओकरा के लौटे के पड़ल काहे कि मौनी अपन चित में अड़ रहल बा। बबलू, बबलू, मामा बबलू। बबलू ठीक हो गई माई। अम्मा माई। बबलू बबलू बेटा तू ठीक हो गई ना? माई के छोड़ के कहाँ चल गई ना? बताओ। तू बोल ना बेटा। हमरा मालूम रहे कि तो दरवाजा काहे बंद कैले बा। का मालूम बाबा जी इहे कि तू दरवाजा बंद करके ध्यान में डूबल रहल। बबलू के जान के खातिर भोले बाबा के गोहरावत रहल। घर के लोग सब अक्ल बेच के आ गए बा। जब से बबुआ कपटी फरेबिया आयल बा ना लोग हमार बात सुनता ना हमार बात मानता। सबके दिमाग घुमा देले बा। अरे तू एगो पवित्र आत्मा बारू, तू कबो केहू के नुकसान ना पहुंचा सकेलू। तहार दिल बहुत दयालु बा, तू चिंता मत कर। हम जबले बानी नू केहू तहार कुछो ना कर सकी। चला बबलू के देखे चल। मीनाक्षी, मीनाक्षी बाहर लड़का के होश आ गई बा। और जबले तू अपना बाया हाथ से ओकरा के ना छुअबू तबले ओकर नजर ना लौट पाई। जा लड़का के छुआ, जा जा। तू चिंता मत कर बेटा। तार माई तरह लगी दिया ना, हम बारी तरह लगे बच्चों। हमारे बबलू के दिखाई भी नहीं केता। बाबा बाबा रवा कुछ करी ना ना तो सब क्यों हमारे बबलू के सूरदास कहे लगे। वो चुड़ैल तो हमारे बबलू की आँख खा गई। बालकम दृष्टम बतातुं दृष्टम बालकम दृष्टम बतातुं हालत में बबलू के कैसे छू पाई? चाची हमरा के छुए दिए। देखो तो नहीं आप लोग कितना आराम से मुस्कुराती आई। हट जा हमरा आपके सामने से, ना तो हम अपना आप खो गई था। तू यहाँ से चल जा, हम तोरा के ना एक पल भी नहीं देखल चाहत। जब से घर में आयल बड़ू तब से घर में मनुष्यत फैलल बा। तारा वजह से हमार बेटा के आँख जल गई। तारा के तनको दया ना आयल ना, क्रूर औरत। अरे पहले डॉक्टर के देखे देबू, पहले ही से आकाशवाणी करे लगलू कि हमार लड़का आन्हर हो गई। सारा कसूर तार लोग के गुस्सा के बाद। ए डॉक्टर साहब, जाकर के देखी लड़का के आंख जांची उनके। आंखें नीचे करो बेटा। आंख तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बस पता नहीं क्यों इसको दिखाई नहीं दे रहा है। का सही बा? हमारे लड़का के यहाँ लोकत नहीं कि और तू कहता है कि सही बा। तारा कुछ समझ में ना आई डॉक्टर। बाबा के अपन काम करे दा। प्यार करे के नाटक करता रू तो अच्छा भैल कि बाबा घर में रहले, लड़का के प्राण लौट आए। तारा के तो पुलिस के हवाले ही कर देवे के चाहत रहे। शुक्र मनावा कि बाबा रोक लेले। दृष्टम ददातु शंका खीस तहनी लोग के ऊपर अंधकार छा देले बा। नहीं कि कन्या के ऊपर जानबूझ करके तू लोग इल्जाम लगावा कर लो। ना तो ई केहू के बच्चा के मार लेवा, ना तो ई तहार बेटा के जहर दे लेवा, और ना इनके मनसा बा कि घर में केहू मरे। जाने तारू कहाँ रही आई? तहार बेटा के कुशलता खातिर भोले बाबा से प्रार्थना करत रही। आखिर तू लोग बारू कि इनका ऊपर एक के बाद इल्जाम लगावल जाता। पहले तो रउआ ओकर बार-बार तरफदारी कई बंद करी। बड़का भगत लग चल गई, अही आइल बारी बड़का भगत बने। हम इनके ना सच्चाई के तरफदारी करता है, न्याय के बात करता है। कौन न्याय का तरफदारी करती हो माई तुम? सब देखला कि बबलू के आत्मा होकर कमरा में से निकल गई। कहत हो करी जान को भीख मांगत, कहाँ बकवास कर रहा बड़ा हेमकांत? तू ये कपटी बाबा के चक्कर में आ गईला, ये मूर्ख बना रहा बा सबके। ये मूर्ख का बनाओ तुम भैया? तू बड़ी अजीब बात करत ही माई। हम वही जे रही, तू वही जे रहलू आ, सब वही जे खड़ा रह। हम मुहे बोलत ही माई जौन सब देखल। बबलू लड़का माई माँ, अगर वो तकलीफ हुई तो हमके परेशानी ना हुई, तो बाप के वजह से बबलू आज जिंदा माई। नहीं तो डॉक्टर तो हरकत हो मर गया बबलू कब्बे, तो बाबा की वजह से जिया तो माई। बस हेमकांत चुप रहा तू, चुप रहा तू। आइल भाड़े बाबा के पकड़। कहानी ये लोग के कारण ऐसा ऐसा कपटी बाबा सबके धंधा फल फूलेला। पहले ये तो सोचा कि लड़का के आंख ठीक कैसे हुई, का हो रहा बा मोनी? कब से मंत्र पढ़त बानी, एगो मंत्र काम नहीं के करत। ओकर दृष्टि वापस ना कर पावेला। लागत बाकी आते मौत के सुरंग से लौटल बा। अगर ओकर आंख ठीक नहीं खे तो ओकर आत्मा के का फायदा? आन्हर देह से आत्मा के दोहन भी मना बा। तब तो हमार अमृत तो अनुष्ठान पूरा हो गई, सपना अधूरा रह जाए मोनी। फिर नवा कहाँ मिली? फिर नए सिरे से पापड़ बेले के पड़ी मोनी। जब सब कुछ हम ही के सोचे के बा, तरुआ कहे बोलता नहीं? रोआ चुप रहे, रोआ चुप रहे, रोआ चुप रहे। काहे चुप रही? बबलू हमरो तो पोता बा, हमरो तो पोता बा। चुप रही। साधारण लागत बा, लेकिन कौन शक्ति बा जौन हमार जैसन सिद्ध मोनी के चुनौती दे रहल बा? पता ना बंद कमरा में ओकरे आत्मा के साथ का करत रहे। बबलू के आत्मा निकल गई रहे, वापस आई, लड़का फिर से जिंदा हो गई। एकरे पास मणि तो नहीं खे, शरीर युक्त मणि, जेकरा स्पर्श से जिंदा हो गई बा। असंभव मतलब वो बबलू के वो मणि के छुआ देहले और ओकर आत्मा देह में वापस आ गई। लेकिन वो मणि के एगो नियम औरी बा, जे मणि के खुद छुआवेला ओकरा मरल आदमी के देह के भी छुए के पड़ी, तभी खाली इंद्री जागृत हुई। तो का वो यहाँ लड़का के छुए आयल बा? अच्छा तो ये बात। हाँ मोनी, तू ओकरा मणि पर यश लूटले बाड़ा, बाकी यश अभी अधूरा बा। अगर वो बबलू के छुई तब बबलू जिंदा रहला के बादो आन्हर के जिंदगी छी। ये घर में तोहरा प्रभाव अधूरा रही मोनी। बालकम दृष्टम ददातु, बालकम दृष्टम ददातु। मिल गई। मिल गई। कहाँ मिल गई बाबा, कहाँ मिल गई? बचुआ के अंधता दूर करे के उपाय मिल गई। सब तंत्र मंत्र से ही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इतना पढ़ना लिखना सब बेकार है। अभी हमार पूज्य गुरुदेव हेमकुंड देव प्रकट भई रहना और बतौलन बेटा बचुआ के जान तो बचा लेना, लेकिन ओकर दृष्टि बसंत ऋतु में बियाहल औरत के स्पर्श से ही वापस आई। बाबा एकरा मतलब हमार बबलू के जल्दी लौटे लागी ना? अवश्य लौट आई, पर एक बार और ध्यान में जाए के पड़ी और ध्यान में जाके बसंत में बियाहल औरत के ढूंढे के पड़ी। बाबा कोनो पता लगीला की जरूरत नहीं है। हमार बेटा केशव के भी बियाह बसंत ऋतु में भइल। बसंत ऋतु में भइल। बसंत ऋतु में भइल। वाह अति उत्तम उपाय तो घर में ही बा। वाह बाबा वाह, पाखंडी फिर अपना भरम जाल में फंसा रहल बा तू लोग के। जल्दी करा, नयकी कन्या के स्पर्श कराओ बचुआ के। ना ना बाबा, ये हमार लड़का के ना छुई। रोहु दूसरा कौन देखी ना? हमार लड़का 4 दिन और ही आना रह जाए, लेकिन एकरा के हम आपन लड़का ना छुए दे। ना माई, हम देखा 4 दिन, हमरा के बहुत अजीब लागत बा। बेटा तू चिंता मत करा, बाबा तारा के ठीक कर दिए। करावेदा बचुआ अभी देखे लागी। तू लोग पागल हो गई बाड़ा, सब केहू पागल हो गई बा। लड़का के नहीं की कन्या नहीं आवा छुआ यहाँ के। जय बाबा गजोधरनाथ।